क्वारंटीन का ये जो टाइम है ना, ये वापस लौट कर नहीं आएगा, इसलिए मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, जैसे कर रही है नज़र की दैविक यानी कि श्रुति शर्मा। मिलकर आइए आप इनसे और देखिए कैसे अपना टाइम यूटिलाइज कर रही हैं। जरा नजर तो फरमाइए कि सीरियल नजर की दैविक पलक यानी श्रुति शर्मा अपने घर के किचन में क्या कमाल कर रही है, क्वारंटीन में क्या क्रिएटिविटी दिखा रही है। श्रुति ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? क्यों है ना श्रुति, सास बहू और सस्पेंस के जरिए फैंस को ये आप ही बता दीजिए। वेलकम टू माय किचन गाइस। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ जैम शेक प्लस बनानास और वेज सैंडविच। जनरली हम लोग बहुत हेल्दी खाते हैं, तो मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गए जैम को टेस्ट किए हुए, आज जैम का फ्लेवर डाल दें, तो देखते हैं चलिए कैसे बनता है। मैंने काफ़ी तैयारियाँ की हुई हैं, बस आपको ज्वाइन करवाना बाकी। श्रुति की बातें सुनकर लगता है कि वो काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती हैं, नो जंक फूड, बढ़िया है। वेजिटेबल्स, क्यूक्यूम्बर, टमाटो फॉर वेज सैंडविच एंड बनानास फॉर द शेक, जैम, कंडेंस मिल्क, बटर थोड़ा सा, नो चीटिंग, एंड दिस जार जिसमें हम शेक बनाएंगे, मिल्क बिकीज, कुकीज जो मेरी फेवरेट हैं, एंड फ्यू नट्स जिसे हम क्रंचीनेस के लिए यूज करने वाले हैं। हमने आपको दिखा दिया कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब स्टार्ट करेंगे, हम एक तरफ गैस पे ब्रेड टोस्ट होने के लिए रखेंगे और दूसरी तरफ हम बनाएंगे जैम शेक। ओके, सो लेट्स गो। जैम शेक और सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स देखकर तो हमारे मुंह में भी पानी आ गया, चलिए अब इन्हें फटाफट रेडी किया जाए। तो हमने बनानास डाल दिए हैं, अब पारी है मिल्क पिकीज की, इन्हें हम क्रश करके अच्छे से डाल लेंगे, काजू तोड़ कर डालेंगे अच्छे से। ये जो आलमंड्स हैं ये मैंने कट कर लिए हैं और अब मैं इन्हें जार में डाल दे रही हूँ। एक या दो स्पून डाल सकते हैं, आप अंदाजे से मिल्क डाल सकते हैं। तो गाइस हमने ब्रेड टोस्ट कर ली है और ये हमारा जार है जो कि पूरा भरा हुआ है इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो अब हम इसको नाउ वी गो। जब तक ये बनेगा तब तक हम इसको वेज सैंडविच को भी रेडी कर सकते हैं साथ में। अब हम फटाफट अपना वेज सैंडविच रेडी करेंगे। वेरी सिंपल ब्रेकफास्ट एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे बहुत कुछ चीजें डाली है, बट दीज आर दी स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल मील्स यू कैन मेक फॉर योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट रेडी है, अब जरा इसे टेस्ट करके बताइए। हियर इज माय वेज सैंडविच। सो अभी हमारा वेज सैंडविच रेडी है, अब हम अपने जैम शेक को सर्व कर लेते हैं। श्रुति ने फैंस को फटाफट हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने का फंडा बता दिया, लॉकडाउन में ये फंडे काफी काम आने वाले हैं। इफ यू लाइक द रेसिपी, इट्स नॉट अ परफेक्ट रेसिपी, बट यू कैन मेक इट एट होम फॉर योर ब्रेकफास्ट एंड फॉर योर किड्स। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज बनाइए और बताइए कैसा लगा आपको खाने पीने में, एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी क्वारंटाइन। फैन श्रुति की बातों को जरूर फॉलो करेंगे और घर में रहकर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे और कोरोना संकट को दूर भगाएंगे।
मुंबई से इंडिया टीवी के लिए हिमांशु ओसवाल की रिपोर्ट।